और एक ऐसी छवि है कि जो आप सुनेंगे तो हैरान होंगे कि ऐसे भी लोग होते हैं। पुलिस जो विभाग है उसमें अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो हम सबके लिए एक प्रेरणा है। एक कहानी बताता हूँ जो कि हमारे जो आदरणीय है माननीय डी के तेजवान साहब उनसे जुड़ी हुई है। बच्चों, सर के जो मिसेज हैं, मैडम हैं, वो टीचर हैं यूपी में और हेडमिस्ट्रेस हैं। एक बार की बात है कि उनके क्लास की एक बच्ची लगातार कई दिन से विद्यालय नहीं आ रही थी, तो कई दिन के बाद उनको पूछा, बच्चों को बात की कि भाई वो बच्ची नहीं आ रही है। कुछ बच्चों ने बताया कि उसके घर में प्रॉब्लम है, वो कल आएगी। अगले दिन जब बच्ची स्कूल आई तो मैडम ने पूछा कि बेटा तुम क्यों नहीं आ रहे कई दिनों से, तो बच्चे रोने लगी, सोनिया मैडम प्लीज़ सुन के जाइए, तो वो बच्चे रोने लगे। मैडम ने पूछा कि बेटा क्या बात हो गई, तुम कुछ बता नहीं पाई, लेकिन बहुत पूछने पर और उसके साथ के बच्चों ने बताया कि मैडम इनकी मदर नहीं है और ये तीन बहनें हैं जिसमें ये सबसे बड़ी है जो इस स्कूल में पढ़ती है, और बाकी जो छोटी बहन है वो केवल 1.5 साल की है, और 1-1.5 साल का मतलब 2.5-3 साल की है। तो क्योंकि मदर नहीं है और फादर रिक्शा चलाते थे, मजदूरी करते थे, और उनको दूसरी भी आदत थी जो आप समझते पीने की, तो घर में बच्चियों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है, और ये जो बड़ी बहन है जो खुद भी 8-9 साल की थी उन दोनों बच्चियों का ध्यान रखती है, इसलिए वो स्कूल नहीं आ रही। ये बात सुनकर के मैडम के दिल में जो माँ की भावना होती है, मदर तो मदर ही है, जो कि एक जो मनुष्य है, जो पुरुष है, उससे बढ़कर के जो दिया है गॉड ने वो माँ को दिया, इसलिए माँ का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। तो उनके मन में उस बच्ची के प्रति बड़ा स्नेह हुआ और वो सोचने लगी कि जो 1.5 साल की बच्ची है और एक जो 3 साल की बच्ची है और ये खुद भी 8-9 साल की है, तो घर परिवार में क्या होगा, फादर बीमार रहते हैं, कोई काम नहीं है, इन बच्चियों को क्या होगा, वो तरह तरह से सोचने लगी। और ये बात आकर के शाम को बड़ी परेशान हुई और मैडम ने ये बात सर के साथ में शेयर की कि आज मेरे विद्यालय में एक बच्ची है और 1.5 साल की उसकी छोटी बहन है और घर पे कोई साधन नहीं है और इस ज़माने में कुछ कह नहीं सकते, बहुत सारे आप देखते हो कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ में इतने घिनौने अपराध हो जाते हैं, ऐसी बच्चियों के साथ में हो जाते हैं जिनका देखने वाला कोई नहीं होता। तो ये सारे विचार मैडम के मन में थे, सर के साथ में शेयर की। सर के 2 बेटे ऑलरेडी, 2 बेटे सर के पास, तो मैडम ने सर से आग्रह किया कि मेरा मन करता है कि ये जो 1.5 साल की बच्ची है इसको मैं अपने पास रख लेती हूँ। सर ने बड़ा विचार किया कि 1.5 साल की बच्ची है, अपने पास रखना सारी जिम्मेदारी, और मेरे पहले से 2 बच्चे हैं, लेकिन सर भी बड़े हृदय वाले हैं, उन्होंने तुरंत कहा कि जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लो। और बाकायदा उसके घर गए और नियमानुसार उस बच्ची को एडॉप्ट किया जो 1.5 साल की बच्ची थी, और 1.5 साल की बच्ची को एडॉप्ट किया, अपने पास रखा, और बिल्कुल क्योंकि लीगल वे में किया, सर तो खुद लीगल के आदमी हैं, और बहुत आगे पीछे की सोच करके उस बच्ची को एडॉप्ट कर लिया। आगे चल करके जो उसकी बड़ी बहन थी उसकी शादी की, और जो एक बीच की थी वो एक्सपायर हो गई क्योंकि घर में कोई साधन नहीं था, तो सबसे 1.5 साल वाली बच्चे सर ने अडॉप्ट कर ली, एक बड़ी बच्ची की शादी हो गई। जब बच्चे बड़ी हुई, बच्चों के साथ ही स्कूल पढ़ने जाती थी, तो धीरे धीरे बच्चों में चर्चा रही कि ऐसा है, कुछ बच्चों ने कहा कि ये जो है तुम्हारे मम्मी पापा दूसरे हैं, ये जो मम्मी पापा हैं आपके नहीं हैं। बच्ची ने ये पूछा, क्योंकि बच्चे को 1.5 साल की उससे पता नहीं था कुछ भी, तो बच्चे ने पूछा कि पापा ऐसे ऐसे बात है, ये कितना सही है। तो सर ने अपना नाम दिया, फादर का नाम सर का नाम लिखा हुआ, मदर का नाम लिखा हुआ था। सर ने सोचा कि इस बच्चे को बताना बहुत ज़रूरी है। सर ने उस बच्ची के बारे में बच्ची को सब बताया कि तुम्हारी उम्र 1.5 साल की थी, ऐसे ऐसे घटना घटी और ऐसे ऐसे हुआ, और बेटा मैं तुम्हें अपने साथ ले आया, आज जो आप हो मेरी बेटी हो, ये बात दूसरे विचार ही नहीं आना चाहिए। बेटी भी बहुत खुश हुई, बच्चे भी हुए, और फिर वही बच्ची
आज MSc कर रही हूँ। सर बता रहे हैं वही बेटी है जो पंजाब से आज गवर्नमेंट कॉलेज से MSc कर रही है। अब आप सोचे कि हम किसी को 2 रुपए नहीं दे सकते, हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, या छोटी सी हेल्प करते सोचते हैं कि क्या कर दिया। और ऐसे भी लोग हैं, इतने महान लोग, कि वो भी पुलिस का डिपार्टमेंट जो 6वीं पुलिस की है, लेकिन ऐसे भी पुलिस वाले हैं बच्चों जिनकी वजह से डिपार्टमेंट चल रहा है, जिनकी वजह से देश चल रहा है। तो सरकार इसके लिए बच्चे जोरदार तालियां बजाएं एक बार, और हम सभी प्रेरणा लें। सर की इस बात से हमें प्रेरणा मिलती है। और जब मैंने आज से 10-12 साल पहले सर से मेरी मुलाकात हुई थी ऐसे ही वसुंधरा में, तो हल्की सी चर्चा मैडम ने और सर के साथ ऐसी भी घटना की वो बातचीत आई थी। लेकिन जब मैंने पता लगा तो वो बात मुझे कभी मन से हटती नहीं है। और सब लोग सोचते हैं कि यदि इसी तरीके के लोग 10% भी समाज में हो जाएं, तो समाज के अंदर जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, या जो लाचारी है, वो खत्म हो जाएगी यदि 10% लोग भी इस तरीके का अपने आप को सुधार लें। तो बच्चों, सर हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, और आज इसलिए सर को मैंने याद किया इस मौके पर कि आप भी इस सर की महानता को सुने, समझें, और समाज के अंदर वो अच्छे काम करें जो सर ने किया है। यदि कभी भी मौका मिले किसी लाचार के लिए तो जरूर हेल्पफुल बने, किसी जरूरतमंद के लिए जरूर हेल्प करें। ये जो हेल्प करते हैं ये कहीं ना कहीं आगे चल करके जो भी नेचर है वो हमें पेड़ करती है, वो हमें मिलता है।